आज हमारे साथ एक ऐसे मशहूर एक्टर हैं, युवा एक्टर जो माने जाने एक्टर हैं और उनकी दो तीन फिल्में पहले आ चुकी है, वो काफ़ी मशहूर रहे हैं, अपने फिल्म को लेके काफ़ी चर्चा में रहे हैं। आइए आज हम उनसे बात करते हैं कि जो पहले फिल्म इनकी आई हुई थी, इनकी क्या रोल था, किस तरह इन्होंने काम किया था, क्या कहेंगे। जो आपकी पहले फिल्म आ चुकी थी क्या नाम था उस फिल्म का और किस तरह आपने उसमें कैरेक्टर निभाया था। सबसे बड़े थैंक यू सर, पहली फिल्म थी मेरी आई एम मिस्टर मदर, जिसमें मैं प्रेगनेंट हुआ था, और फिल्म थी मेरी मेल प्रेगनेंसी ऊपर बेस थी और डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। वो लास्ट ईयर 24 जुलाई को ऑल रिलीज हुई थी, कम स्क्रीन पे हुई थी, ज़्यादा लोग नहीं देख पाए बस, उसमें प्रेगनेंसी थी, मेल प्रेगनेंसी ऊपर थी, तो ये थी। क्या कहेंगे आज जो आपकी नई फिल्म का बैनर कटा हुआ है, तो इस फिल्म में क्या रोल है और इससे लोगों को क्या मैसेज जाएगा। इस फिल्म में कोई ट्रिकी मैसेज नहीं दे रहा लोगों को, बस मेरी फिल्म यही होता है कि वट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, और लाइफ का मतलब क्या है, तो वही मैंने बताने की कोशिश की है कि जो एक प्यार है, एक लव रिलेशन होता है लोगों के बीच में, जैसे कि किसी दोस्त के साथ, माँ बाप के साथ, पड़ोसियों के साथ, तो रिलेशन में उसी के थ्रू अगर हम किसी से प्यार करने जाते हैं तो हमें हमारी लाइफ का मीनिंग समझ में आता है कि हमारा मतलब क्या है, हमारी लाइफ का मतलब। अच्छा, अगर देखा जाए तो इस फिल्म में काफ़ी लोग, हर एक जो फिल्म होती है उससे लोगों को कोई ना कोई संदेश होता है, तो इस फिल्म के माध्यम से क्या संदेश होगा युवाओं के लिए, लोगों के लिए। मैं कोई एक ही मैसेज नहीं देना चाहता, मैंने पहले भी बताया, आजकल का जो हमारा यूथ है वो कोई ना रोमांटिक मसाला या मैसेज वाली फिल्म देखना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि सबको एडवांस फिल्में चाहिए, अच्छा वी एफ एक्स हो, कंप्यूटर ग्राफिक्स हो। अगर फिल्मों के जरिए मैसेज देने लग गए तो जो हमारी बुक्स हैं, जो हमें माँ बाप हमारे संस्कार देते हैं, तो जो सब चीज़ें शायद उनको लगता है वेस्ट होंगी। हम इंटरटेनमेंट के लिए फिल्म बनाते हैं और जो फ्राइडे सैटरडे लोग जाके अपना इंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं, कोई मैसेज देख नहीं जाते, उन्हें 2-2.5 घंटे इंटरटेनमेंट चाहिए होता है। अगर देखा जाए इंटरटेनमेंट जैसे कि है कि मैं कमर्शियल फिल्म बनाने में बिलीव करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इस उम्र में कोई मैसेज दे सकता हूँ लोगों के लिए, हाँ बस मैं इंटरटेनमेंट फिल्म बनाता हूँ। क्या कहेंगे कि आप युवा एक्टर हैं, आप युवा हीरो हैं और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो क्या लगता है आगे आपकी करियर और किस तरह होगी और किस तरह की फिल्में और करना चाहिए आप? आगे के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं पहली बात तो, और फिल्में जैसे ही अच्छी फिल्में होंगी, स्क्रिप्ट अच्छी होगी, जैसे ही मुझे काम मिलेगा मैं डेफिनेटली काम करूँगा। हाँ बस थोड़ा एक्शन वगैरह ज़्यादा हो, VFX वगैरह, कंप्यूटर ग्राफिक्स वगैरह ज़्यादा। क्या कहेंगे कि जो आज की युवा पीढ़ी हैं जो चाहते हैं कि वो भी फिल्म में काम करें, तो क्या लगता है कि ये फिल्म की जो इंडस्ट्री है, जो लाइन है, जो जिसमें फिल्म में लोग आना चाहते हैं, तो क्या लगता है कि लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसमें? देखिए सिर्फ फिल्म लाइन में ही दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है, आप किसी भी फिल्म में जाएँ, प्रॉब्लम्स तो सब जगह होती हैं, स्ट्रगल सब जगह करना पड़ता है। इवन फिल्म में भी आप कुछ भी काम करिए, कितना भी बड़ा काम करिए, टाइम पीरियड पर आपको उसी लेवल का स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मैं सबसे यही कहूँगा, ऐसा कोई ये नहीं है कि मतलब सीधी सी बात ये नहीं है कि आपको फिल्म लाइन में ही स्ट्रगल करना पड़ता है, थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती होंगी। मुझे नहीं लगता कि ये जो सिनेमा का फूला हुआ है, एक वबा मचाया हुआ है कि यहाँ पे आगे स्ट्रगल भी ज़्यादा करना पड़ता है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण मैं बात जानना चाहूँगा कि ये जो फिल्म आप लॉन्च करने वाले हैं कुछ दिनों में, इस फिल्म का क्या नाम है और इससे लोगों को क्या सीख मिली? इस फिल्म का नाम है लव एरिया, जो कि 4 अगस्त 2017 को रिलीज़ हो रही है। लोगों को शायद मेरे ख्याल से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लाइफ का जो मीनिंग है वो समझ में आ जाएगा, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने का। हमारे साथ कुछ और एक्टर हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे जो आपकी लव एरिया जो पिक्चर अगर कहा जा रहा है, तो इस पिक्चर में क्या रोल है आपका और किस तरह? इस पिक्चर में मैं राहुल की मदर का कैरेक्टर कर रही हूँ। बड़ी चिल सी मदर है और बड़ा चिल सा बेटा है, जो हमेशा नटखट करतूतें करता रहता है। माँ के तौर पर मैं उसे कैसे समझाती हूँ, कैसे उसे सही गलत समझाने की कोशिश करती हूँ, उसी में एक लव मैसेज भी है जो हम दूसरों को ऐसे बताएंगे कि माँ बेटे का कैसा रिश्ता है, कैसे समझदारी का रिश्ता होता है। और चाहती हूँ कि जो हमारी ऑडियंस रहेगी जब ये देखेगी, तो एक फैमिली बॉन्डिंग
एक कैसे रहता है और जो फ्रेंड्स का बॉन्डिंग रहता है वो कैसा रहता है. तो भले इट इज़ रिलेटेड, सब रिलेटेड रहेगा, मगर माँ बेटे का रिश्ता अलग ही रहता है. और हमारा बेटा अपने दोस्तों के साथ माँ के पीठ पीछे कैसे क्या करता रहता है वो अलग रहता है. क्या कहना चाहेंगे कि इस फिल्म में जिस तरह आपको रोल दिया गया है तो क्या कहेंगे, कुछ करके दिखा सकते हैं उस तरह के जो पब्लिक देख के उनको लगे कि हाँ पिक्चर में एक्टिंग है. हाँ ज़रूर, हम अपनी पूरी कोशिश देंगे उसके लिए. चाहेंगे कि एक हट के अलग किस्म की फिल्म हो. राहुल केपेबल है ऐसा करने के लिए. सो और राजा जी के साथ हम लोग मिल के कुछ ऐसे करेंगे जो पब्लिक को अच्छा लगे, कुछ हट के रहें. और डेफिनेटली हम लोग एक एंटरटेनिंग फिल्म बनाएंगे. अच्छा, मैं एक ही और जानना चाहूँगा आपका कि इस फिल्म में आपको आगे काम करने के लिए क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है या किस तरह होगा? कोरियोग्राफी का इसमें वो रहेगा, थोड़ा सा दिक्कत रहेगा. डांस पर इनको और वो करना है. सो भाई हमारे साथ राजा जी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह वो फिल्म को लॉन्च करेंगे और इसमें किस तरह उनका और आगे का काम रहेगा. क्या कहेंगे आप, आपने एक नई फिल्म सोची है बनाने के लिए, तो क्या लगता है आपको ये किस तरह फिल्म होगी और कैसे इसको आगे रखना? फैमिली पूरे देख सकते हैं फिल्म को, इसके लिए बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं और आगे फिल्म में देखिए पब्लिक. जी सही बात है कि मुंबई में हर रोज़ एक ना एक फिल्म तो आती रहती है, लेकिन एक्टर को अगर माना जाए तो काफ़ी मशहूर एक्टर रहे हैं अपने फिल्म को लेके. कैमरामैन मोहन के साथ राज पांडे, सीएन न्यूज़ मुंबई.